हेलो एवरीवन। तो आज से हम शुरू करेंगे बिजनेस स्टडीज़ का पहला टॉपिक, जिसका पहला चैप्टर का नाम है इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। कि हम पहले जानेंगे बिजनेस होता क्या है, उसके बाद में ही हम पढ़ना शुरू करेंगे कि बिजनेस कौन सा करना चाहिए, कैसे क्या बिजनेस में होता क्या है। पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि बिजनेस होता क्या है एक्चुअल में। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, जिसके आगे हम बिजनेस के बारे में डील करेंगे कि बिजनेस क्या होता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो हम सारे ह्यूमन्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, जो पर्सनस हैं, वो जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कुछ प्रोड्यूसिंग करना, कुछ प्रोड्यूस करना, मतलब कि कुछ गुड्स प्रोड्यूस करना, कुछ सामान बनाना, या किसी पेशेंट को ट्रीट करना, ठीक करना, टीचिंग करना, सोशल एक्टिविटीज़ करना, बाइंग एंड सेलिंग करना, ये सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं। अगर हम इसमें देखें, एक चीज़ नोट करेंगे, तो ये सारी एक्टिविटीज़ हैं जो नॉर्मली हम ह्यूमंस करते हैं। किसी भी वर्ल्ड के कोने में जो भी हम कोई भी पर्सन इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ कर रहा है, वो सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे उससे पैसा आ रहा हो या ना आ रहा हो, वो सारी एक्टिविटीज़ ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ, तो ये मेरी एक ह्यूमन एक्टिविटी है। तो आगे आते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी को दो चीज़ों में डिवाइड किया जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं जिनका ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना नहीं होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी अंधे को रास्ता पार कराना, वो भी एक ह्यूमन एक्टिविटी है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जिसका पर्पस और या ऑब्जेक्टिव जो है पैसा कमाना नहीं है, या किसी की हेल्प करना, एग्ज़ाम में किसी को नकल करवाना, ये सारे एग्जांपल्स हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के। अब आते हैं हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब होता है ऑल दोज एक्टिविटीज़ हुज ऑब्जेक्टिव इज़ टू अर्न मनी, वो सभी एक्टिविटीज़ जिसका पर्पस है पैसा कमाना, वो सारी होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, मतलब जिससे हम इकोनॉमिकली कुछ चेंज लाते हैं सोसाइटी में। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बिजनेस कर रहे हैं या किसी के अंडर जॉब कर रहे हैं, तो ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। किसी को बना के कुछ बेचना, किसी से कुछ खरीदना, कुछ प्रोड्यूस करना, सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, जिसके बदले में हमें कुछ पैसा मिल रहा है। अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ को हम दो में डिवाइड किया, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। अब नॉन इकोनॉमिक के बारे में पढ़ेंगे ही नहीं, पूरा है जो इकोनॉमिक है। इकोनॉमिक आगे तीन चीज़ों में डिवाइड होता है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब बिज़नेस क्या होता है, बिज़नेस के बारे में जानेंगे कि बिज़नेस एक्चुअली में होता क्या है। बिज़नेस की डेफिनेशन है ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच आर टू बी डन इन द ऑन रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट, टू अर्न मनी थ्रू प्रोडक्शन और सेल्स विद सम रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये है बिज़नेस की, मतलब बिज़नेस की डेफिनेशन, जिसमें रिस्क भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, प्रॉफिट अर्निंग मोटिव भी है, रेगुलर बेसिस भी है, रेगुलरिटी होनी ज़रूरी है। अगर मान लो कि कोई मैं काम कर रहा हूँ, मान लो जैसे अभी आप सभी ने 10th क्लास पास की है, जो आपकी बुक्स बची हुई हैं, अगर आपने वो सेल कर दी हैं, स्क्रैप में सेल कर दी हैं, मतलब कि रद्दी में बेच दी हैं, आपको कुछ प्रॉफिट अर्न हुआ है उससे, लेकिन वो आपका बिजनेस नहीं है। क्योंकि बिजनेस का मतलब होता है कि आपको वो काम डेली करना ज़रूरी है। अगर आप कोई काम डेली नहीं करते हो, तो वो बिज़नेस में काउंट नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं कोई फर्नीचर की मेरी शॉप है, मैं एक दिन बेचता हूँ और पूरा साल कुछ नहीं करता हूँ, तो वो मेरा बिज़नेस नहीं है। बिज़नेस चलाने के लिए मुझे एक कोई भी काम डेली रेगुलरिटी में करना पड़ेगा, तो ही वो मेरा बिज़नेस कहलाएगा। अब जैसे हम बात करते हैं कि बिज़नेस की करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, पहला पॉइंट है जैसे एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिज़नेस वो होता है जो वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके बदले में मुझे कुछ पैसा मिल रहा है, पैसा मैं कमा रहा हूँ, कुछ बेच के, कुछ प्रोड्यूस करके, कुछ बना के मैं उसे बेच रहा हूँ। इसमें एग्जांपल लिखा हुआ है द परचेज सेल ऑफ गुड्स बाय शॉपकीपर। तो हमें पता है कि बिज़नेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसे करने से हमें पैसा कमा रहे हैं। अगला पॉइंट है सर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब गुड्स क्या होता है, जो हम सामान बना के बेचते हैं वो हम उसे कहते हैं गुड्स, जो भी हम कुछ बना के बेच रहे हैं। फर्नीचर की शॉप है तो फर्नीचर उसके लिए गुड्स है, कार की शॉप है तो कार उसके लिए गुड्स है। गुड्स का मतलब है जो भी वो बेच रहा है, जिसमें वो बिज़नेस कर रहा है, उसकी एक्सचेंज में वो कुछ पैसा कमा रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, वो है बिज़नेस। मतलब कि बिज़नेस क्या होता है, मतलब कि मेरे पास 10 रुपये की चीज़ थी, मैंने उसको 12 रुपये की बेच दी, तो ये एक बिज़नेस है कि मैं अपना कॉस्ट कवर करके कुछ एक्स्ट्रा करके उसको बेच रहा हूँ एक्सचेंज में। किसके एक्सचेंज में, मैं उसे कुछ सर्विस दे रहा हूँ या मैं उसे कुछ गुड्स दे रहा हूँ। मान लो कि मैंने किसी की हेल्प की, बदले में मुझे कमीशन मिला, सैलरी मिली या मुझे कुछ भी मिला, तो वो मेरा प्रॉफिट है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है रेगुलरिटी इन डीलिंग। इन रियलिटी बिजनेस इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ डन रेगुलरली। अगर हम रेगुलरली कोई एक्टिविटीज़ करते हैं, तो ही वो बिजनेस में काउंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें शायद लिखा भी हुआ है कि ए पर्सन सेल्स हिज ओल्ड स्कूटर एंड परचेज ए न्यू वन, हियर द परचेज सेल एक्टिविटी डज टेक प्लेस बट इन द एब्सेंस ऑफ रेगुलरिटी दिस ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी कॉल्ड बिजनेस। किसी ने अपना पुराना स्कूटर बेच के नया खरीद लिया,
उससे उसका प्रॉफिट भी अर्न किया उसने, लेकिन रेगुलरिटी नहीं थी उस चीज़ में, तो ये बिजनेस नहीं कहलाएगा। रेगुलरिटी का मतलब है रोज़ उसमें डील करना। फिर नेक्स्ट है प्रॉफिट मोटिव। जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं, हमारा सबसे पहला मोटिव होता है कि हम कुछ फ़ायदा कमाएं, प्रॉफिट कमाएं। प्रॉफिट के बिना कोई भी बिजनेस नहीं हो सकता है। जैसे इन ऑर्डर टू कंसिडर एनी परचेज सेल एज बिजनेस, इट इज़ असेंशियल दैट पर्पज ऑफ पर्सन कंसर्न इज़ टू अर्न प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई भी मेहनत कर रहा हूँ, कुछ भी कमा रहा हूँ, कुछ भी बेच रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, अगर मेरा फ़ायदा ही नहीं है तो मैं कर ही क्यों रहा हूँ। तो बिज़नेस खोलने का सबसे पहला मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, फ़ायदा कमाना। फिर नेक्स्ट पॉइंट है एलिमेंट ऑफ रिस्क। अगर मेरा बिज़नेस है, मान लो कि मैंने 7.5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, 75 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट उसमें कर रखी है, तो मेरा रिस्क है, नुकसान भी हो सकता है, फ़ायदा भी हो सकता है। तो अगर मेरा नुकसान हो सकता है तो वो मेरा रिस्क है। तो बिज़नेस के लिए रिस्क होना बहुत ज़रूरी है, रिस्क के बिना बिज़नेस हो ही नहीं सकता है। अगर हमारा कोई रिस्क है, हम उसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल मतलब कि होली अवॉइड नहीं कर सकते हैं। रिस्क जो प्रॉफिट एंड लॉस है गो हैंड इन हैंड इन बिजनेस, लाइक द अप्स एंड डाउन्स। जैसे कि लाइफ में अप एंड डाउन चलते रहते हैं, वैसे ही बिजनेस में भी लॉस एंड प्रॉफिट चलता रहता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि लॉस ही लॉस होगा। अगर आपकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो कुछ हैप्पी टाइम्स भी आएंगे। तो वैसे ही बिजनेस में अगर लॉस चल रहा है तो प्रॉफिट भी होगा, दोनों ही एक साथ चलते रहते हैं, अल्टरनेटिवली कॉन्सिक्वेंटली चलते रहते हैं। तो रिस्क होना जो रिस्क का जो एलिमेंट है वो बिजनेस में ही होता है। नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर को सेटिस्फैक्टरी गुड्स बना के देना। जे इन ऑर्डर टू मेक थिंग्स मोर यूजफुल फॉर सोसाइटी, देयर यूटिलिटीज इज एनहांस्ड बाय द एफर्ट्स ऑफ बिजनेसमैन। फॉर एग्जाम्पल, किसी की यूटिलिटी है टेबल चाहिए किसी को, तो उसके लिए लकड़ी की कोई यूटिलिटी नहीं है, उसे लकड़ी को ट्रांसफॉर्म करना टेबल में, जिससे कि वो कस्टमर के काम आ सके। तो ये बिजनेस का काम होता है कि यूटिलिटी क्रिएट करना, लाइक द यूटिलिटी ऑफ प्लेस, फॉर्म, टाइम एंड ओनरशिप। यूटिलिटी ऑफ प्लेस इज क्रिएटेड बाय कैरिंग गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। अब मान लो कि कोई प्रोड्यूसर है गुड़गांव में, और जो यूज़ कर रहा है कंज्यूमर है वो है मुंबई में, तो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू उसकी जो यूटिलिटी है वो प्रोवाइड कर रहा है उसे। यूटिलिटी ऑफ फॉर्म क्या होती है? बाय चेंजिंग देयर साइज और फॉर्म, लकड़ी को काटना, ज्वाइन करना, टेबल बना देना। यूटिलिटी ऑफ टाइम है बाय स्टोरिंग और बाय अमासिंग देम इन द गोडाउन्स। जैसे कोई सामान होता है कि ख़राब ना हो जाए तो उसे हम गोडाउन में बचा के रखते हैं, जिससे वो ख़राब ना हो जाए और लंबे टाइम तक हम उसे यूज़ कर सकें। यूटिलिटी ऑफ ओनरशिप क्या होती है? क्रिएट होती है परचेज एंड सेल से। जैसे हम कोई सामान बेच दिया तो उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई, हमारी नहीं रही। तो बिज़नेस क्या होता है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके बदले हम पैसा कुछ अर्न कर रहे हैं। मतलब कि बिजनेस इंक्लूड्स ओनली दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच मीन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी। और इसमें मैंने इसमें लिखा है कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी, सेम पॉइंट है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का। फिर रेगुलरिटी इन डीलिंग, कि हमें रेगुलरिटी उसमें रहनी चाहिए, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, रिस्क एलिमेंट होता ही है, और यूटिलिटी क्रिएट करनी है हमें। फिर इसका लास्ट पॉइंट है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन का। जो हमारे कंज्यूमर अगर सेटिस्फाई होंगे तो ही हमारे कंज्यूमर बढ़ पाएंगे। अगर हमारे कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं है हमारे गुड्स से या सर्विसेज से, तो वो हमारा कंज्यूमर नहीं बनेगा, किसी और का कस्टमर बन जाएगा। और अगर हमारा एक भी कस्टमर कम होता है तो हमारे लगा लो कि 100 कस्टमर कम हो रहे हैं। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि अगर हमारे कस्टमर सेटिस्फाइड हैं, खुश हैं हमारे प्रोडक्ट से, तो वो एक्सपेंड करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा बिजनेस जो है ग्रो करने के लिए हमारे जो कस्टमर्स हैं हमारे साथ रहें। जैसे मैंने लिखा भी हुआ कि अकॉर्डिंग सॉरी हैंस अ बिजनेसमैन शुड मेक गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स टू गेट सक्सेस। जो कंज्यूमर्स को पसंद है उसके अकॉर्डिंग ही बिजनेसमैन को बनाना चाहिए, अलग से नहीं बनाना चाहिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक है प्रोफेशन। अब प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन में हम देखते हैं कि जो हमें एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होनी ज़रूरी है, लीगल तरीके से नॉलेज होनी ज़रूरी है, क्योंकि बिजनेस तो कोई भी कर सकता है। जो चाहे 5वीं फेल हो या स्कूल में पढ़ा भी ना हो, छोटी फेल हो, तो वो भी बिजनेस कर सकता है। लेकिन प्रोफेशन काम सिर्फ वही कर सकता है कि जिसे एक पर्टिकुलरली नॉलेज हो, एक लेवल तक नॉलेज हो, उसने एग्ज़ाम दिया हो। मतलब एक लीगल वे में एग्ज़ाम देना बहुत ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसकी डेफिनेशन बता ही देता हूँ। इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कंडक्टेड बाय ए पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज एंड स्किल विच इज़ यूज्ड इम्पार्शियली टू सेव वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। मतलब इसके पास एक स्पेशल नॉलेज होनी ज़रूरी है, एक एग्ज़ाम देना ज़रूरी है, एक लाइसेंस या सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अब जैसे हम चार प्रोफेशंस के बारे में बात करते हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ये सारे प्रोफेशंस हैं।
इनको प्रोफेशनली काम शुरू करने के लिए एक लाइसेंस होना जरूरी है। जैसे करेक्टरिस्टिक्स का समझ में आ जाएगा, पहला पॉइंट है बॉडी ऑफ सिस्टमेटिक स्पेशलाइज नॉलेज एंड टेक्निक। हमें जब तक स्पेशलाइज नॉलेज नहीं होगी तब तक हम प्रोफेशनली काम नहीं कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर बनने के लिए हमें सिस्टमेटिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशलाइज नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना हम प्रोफेशनली काम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि इसमें लिखा था एन ऑर्डिनरी मैन कैन नॉट रन ए प्रोफेशन। जैसे इसमें बिजनेस में बताया कि कोई भी बिजनेस कर सकता है, पैसे लगाए तो बिजनेस शुरू हो गया। इसके लिए प्रोफेशन बनने के लिए उसे एक पर्टिकुलर नॉलेज होनी ज़रूरी है। नेक्स्ट है फॉर्मलाइज वे ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। फॉर्मलाइज वे में उसको ट्रेनिंग एजुकेशन लेनी है, ये नहीं कि भाई किसी ट्यूशन पर वो पढ़ लिया, नेट पर किसी वीडियो से वो पढ़ लिया तो उससे नहीं काम चलेगा। उसे पर्टिकुलरली कॉलेज में एडमिशन लेना होगा, वहाँ पर उसे कोर्स पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, एग्जाम्स देने पड़ेंगे, तभी उसे अप्रूवल मिलेगा कि वो उसका जो एक्सपीरियंस है, जो ट्रेनिंग एजुकेशन है, वो फॉर्मल वे में उससे मिला है। फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। जैसे कि CA की है, ICAI है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर लॉयर्स है, ऑल इंडिया मेडिकल साइंस ऑफ फॉर इंडिया है डॉक्टर्स के लिए, इंजीनियर्स के लिए भी एक एसोसिएशन बनी हुई है। इनका काम होता है कि हर ऑर्गेनाइज, मतलब कि हर चार्टर्ड अकाउंटेंट डॉक्टर्स लॉयर्स का जो इनकी एसोसिएशन है, उनको मॉनिटर करना, उनको गाइडलाइंस प्रोवाइड करना, उनकी हेल्प करना, उनको टाइम टाइम पे हेल्प प्रोवाइड करना, तो इन एसोसिएशन का काम होता है, जो कि बिजनेस में नहीं था। ना तो बिजनेस में कोई स्पेशल नॉलेज चाहिए, ना ही कोई फॉर्मल वे में एजुकेशन चाहिए, ना ही कोई एसोसिएशन है बिजनेस में, ये चीज़ याद रखना। फिर नेक्स्ट है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट काफ़ी बार आएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है कि कोड ऑफ कंडक्ट होता है एक तरह से कि मोरालिटी से ऑनेस्टी के साथ में काम करना, हर एक के साथ में कोई मिसबिहेवियर या डिस्क्रिमिनेशन ना करना। जैसे कि मेंबर्स ऑफ प्रोफेशन आर बाउंड टू फॉलो कोड ऑफ कंडक्ट। द कोड ऑफ कंडक्ट इंक्लूड्स रूल्स कनेक्टेड विद द प्रोफेशन, द हाईलाइट वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड मोरालिटी। द कोड ऑफ कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्रोफेशंस लाइक लॉ, मेडिकल, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैव ऑलरेडी बीन प्रिस्क्राइब्ड। अगर इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक डॉक्टर हो और आप कहो कि भाई पहले मुझे पैसे दो तब मैं आपका इलाज करूँगा, तो ये चीज़ कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट है। कोड ऑफ कंडक्ट हमें ये कहते हैं कि हमें सभी को एक साथ ही एक समान समझना है, एक साथ ही डील करना है, बिना किसी मिसबिहेवियर के और बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। फिर लास्ट पॉइंट है इसका प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन। हमें पैसे से पहले सर्विस को देखना है कि पहले हमें सर्विस देनी है, बाद में हमें सोचना है पैसे के बारे में। मतलब कई लॉयर्स ऐसे होते हैं कि भाई पैसे के चक्कर में डेट्स वगैरह लेते रहते हैं, कोई डॉक्टर्स ऐसे होते हैं कि पैसे के चक्कर में इलाज नहीं करते हैं या कुछ गलत इलाज कर देते हैं कि बार बार आए, तो वो चीज़ जो है गलत है। प्रोफेशनली में क्या होता है कि पहले आपको एक सर्विस देनी है अपने क्लाइंट क्लाइंट को या जो भी आपका कस्टमर है, जो भी है, उसके बाद में आपको इकोनॉमिक के बारे में सोचना है, मतलब पैसे के बारे में सोचना है। फिर इसका थर्ड पॉइंट है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, जो हमारा लास्ट पॉइंट है आज के दिन का, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जो हम सैलरी के बदले में, वेजेस के बदले में किसी के अंडर काम करते हैं। जैसे बिजनेस में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं तो बिजनेस के अंडर एम्प्लॉयमेंट आता है। जैसे हमने किसी को हायर किया एक पर्टिकुलरली काम करने के लिए और हमने उसको मंथली सैलरी दी है या वेजेस दिए हैं। सैलरी और वेजेस में डिफरेंस क्या होता है? सैलरी हम उसे देते हैं जो मेंटली वर्क करता है और वेजेस उसको देते हैं जो फिजिकल वर्क करता है। दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, थोड़े डिफरेंस पॉइंट्स और भी हैं जो आगे आएंगे भी, तो इसका ध्यान रखना कि एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। ये हम सर्विस देते हैं किसी और को जिसके अंडर हम काम कर रहे हैं, पर्सनल सर्विस होती है। कोई किसी का ये नहीं होता कि भाई हम किसी को एडिशनली कोई सर्विस देने, पर्सनल सर्विस देते हैं हम जिसके अंडर हम काम करें, वो हम सिर्फ हम ही उसे काम करते हैं और कोई नहीं करता है। और एग्रीमेंट का मतलब होता है कि जो सभी कुछ उसकी सैलरी है, टाइम्स एंड ड्यूरेशन है, यूनिफॉर्म है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, वो सभी कुछ एक एग्रीमेंट में फॉलो होता है, जिसको हम कहते हैं अपॉइंटमेंट लेटर भी कह सकते हैं कि अपॉइंटमेंट लेटर मिला और सर्विस स्टार्ट। ये एक सर्वेंट होता है, एक तरह से नौकर होता है अपने मास्टर का, कि उसे अपने ऑर्डर्स फुलफिल करने होते हैं। इसमें ना कोई कैपिटल की ज़रूरत है, ना ऐसा कोई रिस्क होता है। रिस्क इतना ही है सिर्फ कि उसके जॉब ना चली जाए, बस। नेचर ऑफ एम्प्लॉयर है कि नेचर एम्प्लॉयर कैन बी एनीबॉडी, इट कैन बी गवर्नमेंट, इंडिविजुअल, एंटरप्राइज, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि किसी का भी एम्प्लॉय बन सकता है, गवर्नमेंट का भी, प्राइवेट इंडिविजुअल्स का भी, या दोनों के कोलेबोरेशन का भी। तो ये था आज का टॉपिक कि बिजनेस क्या होता है। बिजनेस में हमने पढ़ा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रेगुलरिटी इन डीलिंग, प्रॉफिट मोटिव, एलिमेंट ऑफ रिस्क, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी एंड कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। फिर हमने प्रोफेशन का पढ़ा, फिर एम्प्लॉयमेंट का। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि एक्चुअल में बिजनेस होता क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती क्या है। थैंक यू।